हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के बहुत से विभागों से हर रोज कई तरीके का लिक्विड वेस्ट निकलता है। ये लिक्विड वेस्ट खून, लेबोरेटरी से निष्कासित लिक्विड डिस्चार्ज, डिसइंफेक्टेंट्स और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स, संक्रमित सेक्रेशंस, हाउसकीपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान, प्रयोग के बाद फेंके हुए सैंपल्स, शरीर से निकले हुए तरल पदार्थ और एस्पिरेटेड तरल पदार्थ इत्यादि के रूप में होते हैं। और अगर इन्हें सही से ट्रीट करके ड्रेनेज में ना बहाया गया तो इसके कारण हॉस्पिटल के कर्मचारियों, रोगियों और आसपास के इलाके में कई तरह के भयंकर रूप से संक्रमित हो सकते हैं। इसी जोखिम को कम करने के लिए हम लोगों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि स्वास्थ्य सेवाओं से उत्पन्न सभी तरह के लिक्विड वेस्ट के जोखिम को खत्म करके ही ड्रेनेज में बहाएं, ताकि कोई भी जोखिम पैदा ही ना हो तथा पर्यावरण, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या समुदाय पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ही ना पड़े। ये प्रोसेस क्या है और कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में अब बात करते हैं। जब भी हम लोग लेबोरेटरी में हाथ धोते हैं, इक्विपमेंट्स की सफाई करते हैं, ग्लास वेयर्स धोते हैं, तो उससे काफी गंदा पानी निकलता है। इसलिए हम लोग उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए सारा पानी एक नीले रंग के ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं, जो कम से कम 25 लीटर का होता है। इस ड्रम में 3 पाइप फिट किए जाते हैं। ड्रम के निचले भाग के पाइप को ड्रेनेज में डाला जाता है। इसमें एक नोजल भी लगाया जाता है ताकि गंदा पानी डिसइंफेक्टेंट के साथ एकदम से ना बह जाए। ड्रम के बीच के भाग को वॉश बेसिन के ड्रेन से जोड़ा जाता है ताकि सारा गंदा पानी इसी ड्रम में इकट्ठा हो जाए। ड्रम के ऊपरी भाग में तीसरे पाइप को एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर से जोड़ा जाता है, जिसमें 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को डाला जाता है। पाइप में एक नोजल को फिट किया जाता है, जिससे बहाव की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। यदि आपके पास हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ना हो तो आप 1% ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर 10 लीटर लिक्विड वेस्ट है तो उसमें हम 4% का 2.5 लीटर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। इसके फलस्वरूप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन पानी में डाइल्यूट होकर 1% बन जाता है और लिक्विड वेस्ट को डिसइंफेक्ट कर देता है। लिक्विड वेस्ट को डिसइंफेक्ट होने में कम से कम 30 मिनट से 8 घंटे के लिए रखा जाता है। प्रक्रिया के पूरे होने पर ड्रम के निचले भाग में लगे पाइप के नोजल खोल दिया जाता है, जिससे डिसइंफेक्टेंट पानी को ड्रेन में बहा दिया जाता है। और इसी तरह हम लिक्विड वेस्ट से होने वाले जोखिम से पर्यावरण, स्वास्थ्य कर्मी और पूरे समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षा, सतर्कता और सावधानी, सभी की सुरक्षा ही है समझदारी की निशानी।